हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेस गार्डनिंग। तो आज मैं दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे गमले में लगे हुए लेमन के प्लांट से जो मैंने लिए हैं, वो है सैकड़ों फल। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए मेरा 2 वर्ष का नींबू का पौधा है, ये की लाइम का पौधा है जिस पे देखिए सैकड़ों फल लगे हुए हैं, अनगिनत फल लगे हुए हैं। मैंने मतलब इतने फल लगे हैं कि काउंट भी नहीं कर सकते। और ये वही पौधा है जिसका मैंने अपने चैनल में फर्स्ट वीडियो भी डाला हुआ है, तब इस पे गिनती के 13 से 14 फल थे। और देखिए अपने दूसरे साल में है और इतने फल लगे हैं दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी गिनेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे, बड़े छोटे पके हुए मतलब हर तरह के इसमें फल लगे हुए हैं। और देखिए इसमें कुछ फल ऐसे भी हैं जो अभी रिसेंटली बने हैं, और ये देखिए बहुत से फल ऐसे हैं जो पक भी गए हैं। तो मतलब अगर इतने से पौधे से हम अगर फल ले सकते हैं और वो भी गमले में से, और दोस्तों वही तरीके हैं, 3 तरीके हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूरज की धूप और जल और खाद, ये 3 चीज़ें अगर पौधे को मिलें तो दोस्तों वो भरपूर फल देता है। हाँ ठीक है, मैंने बीच में इसका ट्रीटमेंट किया है, नीम ऑयल के साथ मैंने स्प्रे किया है पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए, जो भी इस पे पेस्ट लगे हैं तो उसके लिए मैंने नीम ऑयल स्प्रे किया है बीच में। और इसके अलावा मैंने इसको सिर्फ टाइम पे खाद दी है और कुछ भी नहीं, और इसको धूप में रखा है, अपने सदर्न एरिया में रखा है दोस्तों। और ये इतने इतने ज़्यादा इस खाने में इतने स्वादिष्ट नींबू हैं, इन्हीं नींबू का मेरी मदर ने अचार भी डाला है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए छोटा सा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट भी नहीं है, और ये फलों से लदा हुआ है, इसकी शाखाएं झुकी हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये वही मेरा डेनियम का प्लांट है जो अभी भी फ्लावर्स दे रहा है विंटर्स में भी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम वापस नींबू पे आते हैं, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। ये देखिए इसका कॉर्टेक्स कितना बड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने कितने नींबू इसमें से उतारे हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अचार जो मेरी माता जी ने बनाया है इन नींबू से। ये खट्टा मीठा अचार है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट है, और यकीन मानिए ऐसा नींबू, इतना पतला छिलका और इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा एरोमा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको होप कि यहाँ पे आपको इसका स्वाद चखा सकता, होप है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।